हाई प्रोटीन हेल्दी सोयाबीन और कच्चे आलू का ऐसा नाश्ता बनाएंगे जो पूरे परिवार में सभी को बहुत पसंद आएगा। गर्मी के दिनों में सभी हेल्दी इंग्रेडिएंट से बनी ये रेसिपी बच्चों के टिफिन से लेके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी इंजॉय की जा सकती है। तो चलिए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ लीना। मेरे चैनल रेसिपीज बाय लीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सोयाबीन की रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप सोयाबीन। यहाँ मैंने मोटे वाले चंक्स का यूज किया है। तो चलिए सोयाबीन को पानी में भिगो देते हैं। यहाँ मैं गर्म पानी का यूज कर रही हूँ। गर्म पानी में डालने से ये जल्दी भीग के तैयार हो जाएंगे। तो 5 से 6 मिनट तक हम इसे गर्म पानी में भिगो के रख देंगे। तो चलिए अभी इसे साइड पे रख देते हैं और आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ मैंने 2 कच्चे आलू लिए हैं। इन्हें मैं रफली मोटा मोटा काट के तैयार करूंगी। आप किसी भी तरह से मोटा मोटा इसे काट सकते हैं क्योंकि हम इसे मिक्सर में ही ग्राइंड करने वाले हैं। तो आलू को काटने के बाद सबसे पहले हम इसे 4 से 5 बार पानी में अच्छे से धोएंगे क्योंकि इसमें जो भी अपना स्टार्च होता है वो निकलना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आलू को अच्छे से हम धो लेते हैं। तो आलू को धोने के बाद मैं इसे एक मिक्सर के जार में डाल रही हूँ। यहाँ मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज, इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, और 1 हरी मिर्च ली है मैंने, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और बिना पानी डाले हमें इसे ग्राइंड करके बिल्कुल इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। देखिए मैंने आलू को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, इसमें मैंने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है और इसका बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट बन गया है। तो चलिए सोया चंक्स को भी चेक कर लेते हैं। तो सोया चंक्स मेरे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए। अब मैं इसका पानी हाथों से अच्छे से रिलीज करूंगी और इसे मैं आलू में मिक्स कर दूंगी। इसके पानी को अच्छे से निकालना बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ सारे सोया चंक्स को मैंने आलू में अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसका जो ये गंदा पानी बचा है इसे हम फेंक देंगे। तो अभी हम इसके ऊपर लेड लगा के इसे फिर से ग्राइंड कर लेंगे और फिर से इसका बहुत ही स्मूथ पेस्ट हमें बनाना है। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सोया चंक्स को और आलू को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही हेल्दी हमारी रेसिपी बनने वाली है। इसके अंदर हमने सभी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है। ये देखिए बिल्कुल ही एक स्मूथ पेस्ट मैंने बना लिया है इसका। इसके अंदर बिल्कुल भी सोया के चंक्स नहीं है और बिल्कुल भी आलू की गुठलियाँ नहीं है। तो इस तरह से अगर मैं हाथों में लेके चेक भी करूं तो बिल्कुल फाइन हमारा पेस्ट बना है, ये देखिए। तो चलिए अभी इसे साइड पे रख देते हैं और आगे का प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। एक पैन लिया है मैंने, पैन में मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ हमें इसमें नहीं करना है। 2 बड़े चम्मच में इसमें ऑयल डाले हैं। इसमें मैं डालूंगी काले तिल। काले तिल का इस नाश्ते में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और इसमें कैल्शियम की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। 1/2 चम्मच मैं जीरा डाल रही हूँ। ये मैंने बारीक कटा हुआ अदरक लिया है, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। बारीक कटी हुई हरी मिर्च में डाल रही हूँ। आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, और इसके अंदर आप काले तिल की जगह सफ़ेद तिल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कड़ी पत्ता को रफली चॉप कर लिया है, इसे भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये मैंने होल रेड चिल्ली लिया है, इसे मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट के इसमें डाला है। इसका टेक्स्चर नाश्ते में बहुत ही बढ़िया आएगा। इसे अच्छे से चटकने देंगे। अब जो हमने पेस्ट बना के रखा है ना वो हम इसमें डाल देंगे। सारे बैटर को मैंने अच्छे से पैन में डाल दिया है और इसे हम हिला लेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल ही लो रखनी है। लो फ्लेम पे हम इसे चलाएंगे। अभी हम इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए चलाएंगे और इसके अंदर मसाले डाल देंगे। रेड चिल्ली पाउडर डाला है मैंने, कोरिएंडर पाउडर, और 1/2 चम्मच मैंने इसके अंदर भुना हुआ जीरा डाला है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है उससे। अब इसे 1 मिनट के लिए हम और चला लेंगे। 1 मिनट चलाने के बाद ये मैंने 1 कप सूजी ली है, पर 1 कप सूजी को हम एक साथ नहीं डालेंगे, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही बढ़िया से हमें इसे मिक्स करना है। गैस की फ्लेम अभी हमारी लो है और आपको यहाँ पे पता है कि मैंने अभी तक इसमें नमक भी नहीं डाला है। नमक हम इसमें बाद में डालेंगे। तो सारी सूजी को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से चलाना है। अच्छा, इसे ना हमें चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि जहाँ हम चलाना छोड़ेंगे नाश्ता हमारा ख़राब हो सकता है। तो इसमें मैंने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। नमक को अच्छे से पूरे नाश्ते में हम मिक्स कर लेंगे।
और बढ़िया से इसे चलाएंगे और मैश करते हुए हमें इसे मिक्स करना है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसका ना एक डो बनता जाएगा। सारे नाश्ते का सूजी डालने के बाद सोयाबीन का एक डो बनता जा रहा है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से इसका एक डो बनके तैयार हो गया है। जब इसकी कढ़ाई पूरी तरह से साफ दिखे तो आप समझ लीजिए आपका डो बनके रेडी है। तो चलिए इसे बाउल में निकाल लेते हैं। तो अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए यूं ही छोड़ देंगे और रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। हमें बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे भी नहीं चाहिए, हल्का हल्का सा ये गुनगुना हो उतना हमें चाहिए। तो चलिए इसे अभी रख देते हैं। तो 5 मिनट के बाद ही मैं इसे चेक कर रही हूँ, ये हल्का हल्का सा गर्म है। इसके अंदर ना मैं 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स के डाल रही हूँ ताकि हमारे नाश्ते में अच्छे से बाइंड आ जाए। आप ब्रेड क्रम्स की जगह पे थोड़ा सा आटा भी इसमें डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप इसमें आटा या ब्रेड क्रम्स कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया है। अब इसे अच्छे से मैं इकट्ठा करूँगी और इसका एक हमें डो तैयार करना है। थोड़ा सा ऑयल मैं इस पर डाल रही हूँ ताकि ये हाथों पर ना चिपके, और बढ़िया से इसका एक डो बना लेंगे जैसे हम एक रोटी का डो बनाते हैं। अगर आपको लगे आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा थिक है तो आप इसमें हल्का सा पानी डाल सकते हैं, और अगर आपको लगे ढीला है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मेरा डो अच्छे से बन के रेडी है। अब एक रोटी से थोड़ी बड़ी साइज़ की मैं लोई ले रही हूँ इस तरह से। अब थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर छिटकते हुए हम इसे रोल कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया से ये रोल आ जाती है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है इसे रोल करने में। अच्छे से बेलन इसके ऊपर चला लेंगे, बट बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हुए भी हमें बेलन नहीं चलाना है। इस तरह से हल्के हाथों से इसे पलटते हुए हमें बेलन चलाना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है। तो इस तरह का मैंने बाउल लिया है, उसको मैं इसके ऊपर रख दूँगी ताकि रोटी हमारी बिल्कुल ही गोल आकार की बने। आप चाहें तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, बट इस तरह से जब बिल्कुल ही गोल आकार की बनेगी तो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। और बाकी के बचे आटे को मैं दूसरे आटे में मिक्स कर दूंगी। ये देखिए कितनी ही बढ़िया मेरी रोटी बनके तैयार हुई है, बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनता है ये। तो चलिए एक चपाती और बेल के देख लेते हैं, हमारी सोयाबीन की हेल्दी चपाती। इसके ऊपर मैं बाउल लगाऊंगी जिससे कि इसका आकार बिल्कुल ही गोल आए। इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे और साइडों का जो आटा है उसे दूसरे आटे में मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितने ही बढ़िया से हमारा एक और नाश्ता बनके तैयार हो गया है। कितना ही हेल्दी ये नाश्ता है, हमने सभी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का इसमें यूज़ किया है। तो तवे पे मैं एक एक करके इस चपाती को डालूंगी। तो अभी इसके ऊपर मैं घी लगा के इसको सेक रही हूँ। अगर आप बिल्कुल ही हेल्दी वर्जन खाना चाहते हैं तो बिना घी के भी इसे बना सकते हैं, या ऑयल या बटर में भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी हमारी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बिना घी के भी ये बहुत टेस्टी लगती है। सभी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स का हमने इसमें यूज़ किया है, आपको तो पता ही है। अच्छे से इसे हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लेंगे। ये देखिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। कितना ही बढ़िया हमारा नाश्ता बना है, ये देखिए कितना ही बढ़िया पराठा लग रहा है। तो चलिए अगला पराठा भी इसी तरह से सेक लेते हैं। तो अच्छे से घी लगाते हुए क्रिस्पी होने तक मैं इसे भी सेक लूँगी। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहता है ये टिफ़िन में भी, और इसे ट्रैवल में भी आप ले जा सकते हैं, और ब्रेकफास्ट डिनर लंच कभी भी आप इसे बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। देखिए कितने ही क्रिस्पी और बढ़िया मेरे पराठे बनके तैयार हो रहे हैं। ये देखिए टेक्सचर कितना ही बढ़िया आया हमारे नाश्ते पे। तो आज मैंने इसे दही और दाल के साथ सर्व किया है, अदरवाइज आप इसे चाय के साथ भी खाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। देखिए मैं आपको एक बाइट इसी तोड़ के दिखाती हूँ, कितना ही सॉफ्ट हमारा नाश्ता बना है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है ये खाने में, और खाने में टेस्टी भी बहुत है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरे आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में।